रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंदर से मतलब अजीब सा लग रहा है। माँ ने हमारा इतना साथ दिया और हम उनका ख्याल नहीं रख सके, है ना? तुम ज़्यादा सोच रहे हो अनुज। देखो, ज़रूरी नहीं है ना कि हम जैसी चाहें लाइफ वैसी ही चले। और फिर पप्पा देख रहा है ना, वो सब ठीक करेगा। तुम्हारा और माँ का दिल का रिश्ता है, वो कहीं पे भी रहें तुमसे दूर थोड़ी होंगी। और फिर गई भी तो अपने बच्चों के पास ही है ना, ऋषि और श्रेया का भी उन पे उतना ही हक बनता है ना। और फिर इस बात से तो तुम भी अग्री करोगे कि जो कम्फर्ट और केयर उनको वहाँ पे मिलेगा वो तुम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते। चलो काम करते हैं, अगले महीने की जब सैलरी आएगी ना तो उनको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर ट्रीट देंगे और एक अच्छी सी साड़ी भी देंगे, ठीक है? तो साड़ी तुम्हारी नहीं, साड़ी मेरी तरफ से और ट्रीट तुम्हारी तरफ से। साड़ी, साड़ी क्यों? मेरी तरफ से क्यों नहीं साड़ी? वो अनुज तुम्हारी चॉइस। हेलो, आज तक जो जो भी मैं ले आया हूँ ना तुम्हारे लिए तुमने पहना है, हा? पर ये मत भूलना कि तुम भी मेरी चॉइस हो। बोलती बन मौशी, ये का है? कॉफ सिरप। अरे वो दिन यहाँ से जाते हुए मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी, वो कॉफ सिरप कुछ बोला था, मेरे पास था इसलिए लेके आई। तुमको जरूरत है तो रखो। हाउ स्वीट मौशी, कॉफ सिरप, इसी की तो इनको जरूरत थी। अरे तू जरा बग ना याला, कहीं बुखार उखार तो नहीं है? कैसा चेहरा लाल हो गया इसका। हाँ मौसी, और गरम भी हो गए हैं। लगता है कफ सिरप से तो आराम नहीं मिला है, दूसरा डोज भी देना पड़ेगा। जरा बग ये तेमी। अच्छा सा मूड हो रहा है, कफ सिरप जैसा। आनी, तेरी शर्ट प्रेस करके रख दिया है यहाँ पे। हाँ तारी ठीक है। भाई का फोन है ना, भाई के फोन में ताक जा। हाँ बिल्कुल, पिताश्री पे गई हो फोन चेक करने के मामले में। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चलिए मैं आती हूँ। हाँ पर जल्दी करना, बस छूट जाएगी तो लेट हो जाएंगे, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। क्या चल रहा है तेरा दीप्ति के साथ? कुछ नहीं भाई। झूठ बोल रहा है, ये वही लड़की है ना जिसको तुझ पे क्रश था शादी से पहले? बताया था तूने मुझे इसके बारे में, कैसे मैसेजेस भेज रही है तुझे? हाँ अब शांत हो जाइए, आप भी जानते हैं मेरी शादी का क्या चल रहा है, और अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना भी हुआ तो मैं छुप छुपा कर करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ। तो फिर ये किसेस वाले स्माइली क्यों भेज रही तेरे को? कम ऑन ताई, ये सब कुछ बहुत कॉमन है आजकल। अच्छा तो आई होप ये कॉमन ही हो, क्योंकि तुझे पता है ना श्रेया आज भी तेरी वाइफ है, और ये उसके लिए तो गलत होगा ही, दीप्ति के लिए भी गलत होगा। और अनुज तो तुझे अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं अनिकेत। आई होप तुझे पता हो कि तेरा एक गलत स्टेप क्या नतीजा क्रिएट कर सकता है, तो सोच लेना। कब से तुम एक ही पेज पे अटके हुए हो, आगे तो बढ़ो। अरे वैसे हम दोनों कितने बदल गए हैं, आप से तुम। तो ये बदलाव अच्छा है या बुरा? अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये आप से तुम के सफर में हम दोनों कितने हैं करीब आ गए।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तेरे बजट से थोड़ा ज्यादा है बट अच्छा है। इट्स रियली नाइस। वन बेडरूम हाफ बालकनी। अनुज इसे जरा टेस्ट करके बताओ कैसे बनी है। मुझे बहुत अच्छी लगी। सौरभ को दोनों उसका टेस्ट अच्छा है। सौरभ का टेस्ट खाली वाइफ के मामले में अच्छा है। अदरवाइज आई डोंट ट्रस्ट हिज टेस्ट। ये तुमने अगर पहला बोला होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले डिवोर्स दे चुका होता। अभी भी दे दोगे ना तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। सो आई विल काइंडली एडजस्ट। एडजस्ट तुम करोगे? एडजस्ट मैंने किया है। सात घर बदल चुके हैं। अब वापस घर बदलने को कहा ना तो मैं पति बदल दूंगी। अरे बाबा। गौरवी एक काम करते, वैसे भी हमारे हस्बैंड एकदम यूजलेस है, हम अपने हस्बैंड ही बदल देते हैं। अरे नहीं, मेरा वाला एकदम फैंटास्टिक है, मतलब मेरा काम चल रहा है और ये ऑफर उतना भी अच्छा नहीं है। ओहो हो, इसे कहते हैं पति भरता स्त्री। पति भरता नहीं, पति भरता स्त्री। खाओ ना, तुम भी खाओ। अच्छा है ये। अच्छा है ये, ठीक है। देखते हैं आधा बालकनी, सोचते हैं आगे, देखते ना। एक छोटी सी बात मन में आ रही, कभी कभी सोचता हूँ ये छोटू जैसे बच्चे रात को कहाँ सोते होंगे। पैसा आया तो इनके लिए घर बनाना है। गलत है। क्या? यही कि ये छोटी सी बात है, ये बहुत बड़ी और बहुत प्यारी बात है। अनुज सौरभ हजार बोलो। क्या बात करे? नहीं नहीं झूठ बोल। हाँ सच में? हाँ अच्छा सौरभ मैं तेरे फोन करता हूँ। हाँ थैंक्स 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 सो मच थैंक्स। मैं करता हूँ। हाँ क्या? अरे हम यहाँ इनका घर बनाने की बात कर रहे थे और वहाँ हमारा घर बन गया है। मतलब? अरे वो वन बेडरूम वाला फ्लैट दिखा था ना। हाँ? तो उसका मकान मालिक मान गया, सौरभ ने डिपॉजिट कम करवा दी। क्या बात कर? हाँ। ये तो बहुत अरे वाह क्या बात है, आज तो बड़ी हिम्मत आ गई आपने। हाँ तो मेरी बीवी किसी और की थोड़ी ना। ये भी सही है। ड्राइवर प्लीज ड्राइव केयरफुली, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, ध्यान से। सॉरी मैडम, एक्चुअली बारिश की वजह से पूरी रोड खराब हो गई मैम। तुम्हें आरटीओ पेमेंट देते हैं या मैं देती हूँ? सो प्लीज रोड पे कम, मेरी लिपस्टिक पे ज्यादा ध्यान दो। ओके सॉरी मैडम। ओ माय गॉड रोहित, इन द बार लाउंज विद दिस चीप असमी। इनका एपिसोड लाइव देखना पड़ेगा। आई होप रोहित रियलाइजेस कि मैं अपनी फैंसी टाउन वाली पार्टी छोड़ के इसके लिए सबर्ब्स में जा रही हूँ। ड्राइवर अंधेरी ले लो। Asmi, what a pleasant surprise. मैं बस यहीं से गुजर रही थी, सोचा एक ड्रिंक ले लूं। ये बहाना चलेगा या
kidding, guys. मुझे कैसे पता होगा कि तुम लोग यहाँ पे? May I join you guys? One second. So, तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? Oh, Asmi, the same old trick. I mean, Insta पे blue tick वालों को follow करो, अपनी पहचान बनाओ, right? Asmi मेरे साथ मेरी firm में काम करती है. Oh, well तुम्हें तो पता ही होगा. Actually नहीं पता होगा. इसकी sister मेरे भाई की company में काम करती थी. And now they are married. इसकी sister smart है. Asmi is a little duffer, है ना? Shreya, please. Oh my God! You guys are getting married, is it? No way. ये तो तुम लोगों का family tradition हो क्या? I mean, तुम बहनें कहीं crash course करके आए हो? Actually, you know what? It must be an inborn tradition. So sorry. I'm sorry. Do you need some help? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो. बैठो. You don't need to be a personal dryer. Sit. Sit. Listen. तुम इसकी फैमिली को नहीं जानते हो. They're very cheap. This whole damsel in distress नाटक ना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं. इनफैक्ट तुम्हें देखकर तो बहुत कुछ करने को दिल कर रहा है. Ah, you're back. तुम्हारे लिए भी एक डेडिकेशन. I'll be right back. Sit. मालकिन कहती थी घर मतलब रिश्ते, प्यार और ट्रस्ट. शायद इसलिए अपने उस बड़े से बंगले में भी वो खुशी नहीं मिली, वो सुकून नहीं मिला जो गौरवी के साथ इस वन बेडरूम हॉल के फ्लैट में मिला. बहुत खुशियां देखी इस घर ने, पर क्या पता था यही घर मेरे और गौरवी के बीच किसी तीसरे को आते और सब कुछ बिखरते भी देखेगा. क्या पता था ये घर किसी दिन घर से मकान भी बनेगा. क्या पता था इस मकान में दरारें भी पड़ेगी और क्या पता था इन दरारों से ये मकान भी टूटेगा. इलेक्ट्रिकल्स का काम तो हो गया, पेंटिंग का थोड़ा बहुत बाकी है. एक बार नीचे मैं ट्रक जाके रीचेक करता हूँ. वो मैं कर लूंगी. पक्का? तुम यहाँ कर देखो. हाँ हाँ पक्का. ठीक. ओ अश्मी, तेरे पर्दे नहीं लगे एक घंटे से. वहाँ का फिटिंग ठीक से हुआ नहीं है. ओ जावाई बापू जी. अरे पहली बार आया ना घर. हाँ. तो खाली पेट तो नहीं जा सकते. हाँ, हाँ. और हमारी गौरवी तो क्या चाय बनाती है, लेकिन गैस नहीं लगा होगा ना अभी तक. वो अभी कोई बात नहीं, अपने पास रास्ता है. हाँ, थोड़ा वो तेरे मूड को क्या हुआ है अश्मी? देख इस वक्त सब फ्री माइंड है, खुश है. प्लीज तू कोई नया टॉपिक मत स्टार्ट करो. दादा, आई नो कि वो आपकी वाइफ है, बट द वे शी बिहेव्ड यस्टरडे, शी लिटरली बिहेव्ड लाइक अ बिच. अश्मी, यू कांट यूज दैट लैंग्वेज.
वो जो भी है जैसी भी है, तुझे उसके लेवल में गिरने की जरूरत नहीं है। बाबा मेरा फोन आपके पास है। बाबा मैं जरा नीचे टेम्पो में चेक करके आती हूँ, कुछ छूटा तो नहीं। चल तेरे पर्दे ही नहीं खत्म होते। चल चाहिए? नहीं। चाय? थैंक यू। जो जब होना होता है तब होता है, इसलिए हमको नहीं प्लानिंग छोड़ के अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्लानर लेकर तो बैठा है ना ऊपर बापा। और पता है अजमान ने तोहफे में क्या दिया? क्या? एक छोटी सी दुकान का अपना धंधा शुरू करो। तो अब हसमुख भाई को थैंक यू और अपना धंधा स्टार्ट, बैक टू डायमंड्स। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। यू नो एक और अच्छी बात। क्या? मतलब सूझ रही है एक अच्छी बात, डिपेंड करता है तुम पर भी। है कॉफ सर? हाँ है ना, है। ये सामान के बीच में ही है, तू लेना। हसमुख भाई ने गणपति जी दिए, वो कहते हैं ना फेयरवेल गिफ्ट। देखो कितने प्यारे हैं। उनकी नौकरी छोड़ के मतलब थोड़ा ऐसे बुरा लग रहा है। क्यों? उनको देख के ऐसे यकीन होता है कि अभी भी दुनिया में कुछ अच्छे लोग, महान लोग बचे हैं। बिल्कुल। एक तो मेरे सामने ही बैठे हैं। अच्छा अनुज, वो बोलो ना। क्या? यू लव मी? अभी मतलब सब सबके सामने, मतलब पब्लिक में? अच्छा, कैसे पब्लिक में किस कर सकते हो? पब्लिक में आई लव यू नहीं बोल सकते? तो मैं उस वक्त भावुक हो गया था ना। क्या हो गए थे? मतलब भावनाओं में बह गया। अनिकेत को किसी लड़की के साथ देखकर मैं उससे बहुत नाराज हुआ, क्योंकि मेरे लिए शादी का मतलब था लाइफ टाइम कमिटमेंट, जिसमें किसी तीसरे के आने की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। नहीं जानता था कि आगे जाके अपनी ही शादी को नहीं बचा पाऊंगा। उस वक्त एक शादी को बचाने के लिए लड़ रहा था और आज अपनी शादी को तोड़ने के लिए लड़ रहा हूँ। हे असं सगळं करताना तुला लाज नाही वाटत अनिकेत? भूल गया अभी भी शादीशुदा है तू? आई मुझे पता है मैं शादीशुदा हूँ और ऐसा कुछ नहीं। दीप्ति और मैं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था जीजू। नहीं नहीं जीजू, वो एक्चुअली ना आजकल फ्रेंड्स में ऐसा चलता है, वो थोड़ा घुल मिल के ही रहते हैं और उस लड़की ने थोड़ा अफेक्शन दिखा दिया होगा और कुछ नहीं। शादी के बाद ऐसी दोस्ती नहीं चलती, इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए। ताई आपको तो पता था ना दीप्ति और मैं फ्रेंड्स हैं, सिर्फ फ्रेंड्स हैं। हाँ तो फ्रेंडशिप लिमिट में होनी चाहिए थी ना। चल मान लिया तेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस लड़की के मन में 100% तेरे लिए फ्रेंडशिप से ज्यादा है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे मैसेजेस नहीं भेजते हैं जिस तरह के वो भेज रही थी तुझे। ताई दीप्ति के लिए इवन आई हैव फीलिंग्स, लेकिन अभी मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रहा। अनी तू पागल हो गया? तू दीप्ति के लिए कुछ फील नहीं कर सकता अनी? तुझे शादी के मायने समझाए थे ना मैंने? श्रेया वापस आ गई है, एक बार भी बात करने की कोशिश की तूने उससे? देख अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो ये दीप्ति से मिलना बंद कर और श्रेया से जाके बात कर। श्रेया और मेरा चैप्टर क्लोज हो चुका है ताई। ऐसा नहीं होता अनी, कितनी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी यार तुम लोगों के बीच में। अगर अगर 1% भी होप है ना
तो वो 99% हेट को बदल सकती है। प्लीज भाई, एक बार मेरे लिए जाके बात कर उससे। फाइन, आपके लिए बात करनी है, कर लूंगा। हंस भी पानी पिला। हाँ दाई। Are you okay now? और क्या छिपाना है मुझसे? मतलब? तुम्हें पता था ना अनिकेत का कुछ चल रहा है उस लड़की के साथ। अनी ने कहा था कि वो लोग सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो आज कहा ना उसने कि उसकी फीलिंग्स हैं। अरे मगर उसने कुछ किया थोड़ी है। हाँ? मतलब क्या है तुम्हारा? करने का इंतजार कर रही थी। मैंने अनिकेत से बोल दिया है कि अब वो उस लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से अपने रिश्ते को वर्कआउट करने की कोशिश करेगा। वैसा सोच भी कैसे सकता है? अनुजी बात तुम उनको जाके बोलो ना, उनका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो लगता है मैं इस घर में रह रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा ना कि मैंने अनी को बोल दिया है कि वो अब उस लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से बात करेगा। बढ़िया, थैंक यू। अनुज, हमारे बीच में इश्यूज होंगे और उनके बीच में भी होंगे, बट इन द एंड व्हाट मैटर्स इज अस। मेरे लिए मेरी फैमिली भी मैटर करती है और मेरे लिए तुम भी मैटर करते हो, लेकिन कल के दिन वो लोग क्या करते हैं उसके लिए तुम हर बार मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। मैंने तुमसे कहा ना कि मैंने अनी को बोला है कि अब वो लड़की से बात नहीं करेगा और जाके श्रेया से बात करेगा। अब मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें ऐसा क्या बोलूं कि तुम्हें बेटर लगे। गौरवी, मैंने टेस्ट देखा, प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी। आई एम सॉरी। आई लव यू डॉटर। क्या अनुज, तुम भी ना? कहते हैं कि किसी भी कपल के लिए 2 से 3 होना बड़ी खुशी की बात है, और तुम दोनों आज डिवोर्स के लिए लड़ रहे हो। ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा बच्चा भी तुम दोनों को बांध के नहीं रह सका?